वहां पे आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम करके जी रहे हैं। देखिए हम एकदम बीच घर में आए हुए हैं। ये घर जो कितना सुंदर देखने में लगता है, लेकिन बाढ़ के वजह से यह घर के लोग खुश नहीं होंगे। तो हम वैसा ही भेष में जा रहे हैं, आप लोग को अगर बुरा लगेगा तो माफ कीजिएगा। वही बक्षी गांव में है जहां पे त्राहिमाम त्राहिमाम हुए हैं। अभी हम राम सूरत राय मर गया, मुखिया मर गया, सब मर गया, कोई नहीं आया है, कोई नहीं। उस ऊंचा जगह पर हम आए हुए हैं, फिर भी मेरा घुटना तक देखिए कि पानी इसमें लबालब भर चुका है। मुखिया जी, आपको लोग वोट दिए थे कि इन लोगों को आपको हेल्प कर पाइएगा, लेकिन आप खुद इन लोगों को देखने तक नहीं आए तो क्या लिख के भेजिएगा। चुका है ये चूली है जिस पर खाना लोग बना के खाते, वो चूली भी डूब गया है। तो बताइए इन लोगों का क्या हालत यहाँ पे देखने को मिलता है। लगभग 2 से 2.5 फीट पानी हो गया है। कहाँ जा रहे हैं बाबा? देखिए माल जाल के किस प्रकार क्षति हो रहा है। घास उस कहाँ से लाते हैं आप लोग, कहाँ गए? कोई नेता नहीं आया है, सारा नेता मर गया। तो हमको कहे तो हम उनको खुद मुंह पर कहे कि चोर नेता को हम वोट देंगे। ना बाबू साहब, अब बाबा ऐसा नहीं होगा। उनको साथ कह दिया चोर, वो भाई राम सूरत राय को, राम सूरत राय चोर है। हाँ सब क्या चोर नहा था, कभी आया घूम कर देखने की बक्की क्षेत्र का बक्की में क्या है, बनीसा क्षेत्र में आदमी डूबा की मरा। बहन जी का घर है ये पूरा, मतलब भींगा हुआ है, पूरा पानी है, कुछ सामान पलंग वगैरह पर रखा गया है। देखिए थोड़ा आइए ये दुखियारी के बस्ती में आइए, दुख बांटिए इन लोगों से, दुख बांटिए इन लोगों से, दुख समझिए किस प्रकार पानी यहाँ पे बढ़ रहा है। इनका कहना है कि इस पर भी पूरा 2-3 फीट पानी घर में लग जाता है। ये जो बकरी उकरी जो है इसको घास उस कहाँ से लाते हुए? कहाँ से लाए? भूसा किन के लाता है, दाना पिसा के लाता है, रखी जाता है, कहाँ से लाइए? पानी में कहाँ जाऊँ? से लो कहाँ जाऊँ? हम आपको मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के जो गांव है वो पूरा बोक्ची का ये नजारा है जो घर में पानी। अभी के सरकार से तो कोई राहत बचाव का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, और देख रहे हैं जो हम लोग घर में पानी है कि 2 दिन पहले से इतना पानी बढ़ चुका है। नीतीश कुमार जी नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के कटरा थाना क्षेत्र के बागमती गंडक के किनारे वही बाग पर अभी हम खड़े हैं। बताया जा रहा है कि जिस यह जो बांध है, यह बांध के बाद जस्ट पीपा पुल है, और पीपा पुल के जो वो छोर पर जो घर है, जो गांव है, वहां पे आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम करके जी रहे हैं। और स्थानीय जो अंचलाधिकारी, वीडियो मुखिया, विधायक, सांसद, बिहार सरकार, केंद्र सरकार का योजना उनके दरवाजे तक पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया है, इस पर विशेष बात करेंगे। दूसरी बात बता दें कि यहाँ पे जो भी लोग खड़े थे उनके द्वारा हमको बोला गया कि जब आप आगे जाइएगा तो आप भींग जाइएगा, पैर में जूता या चप्पल पहन के जाइएगा तो आप गिर जाइएगा। तो हम वैसा ही भेष में जा रहे हैं, आप लोग को अगर बुरा लगेगा तो माफ कीजिएगा। दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि जो पानी यहाँ पे उफान मार रही है, ये इतना ज्यादा समझिए कहर फैला रही है कि आप जब धीरे धीरे हम अंदर जाएंगे तो बारी बारी से बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम कटरा में आए हुए हैं, जो कटरा में बागमती नदी है वहां पे अत्यधिक पानी बढ़ चुका है। किस प्रकार यहाँ के गांव ग्रामवासी रहते हैं, हालांकि आगे जो गांव है वह गांव के नाम बक्सी बताया गया है, उस गांव में जाते हैं, उस गांव के आदमी से हम बात करेंगे। बात करने के दौरान क्या क्या पहलू निकल के आता हुआ हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अभी हम थोड़ा ऊंचा जगह पर आ चुके हैं, लेकिन ये ऊंचा जगह नहीं समझिए, घर इतना गढ़ा है, लेकिन इसमें भी है कि नहीं देखते हैं। देखिए इसमें भी कुछ आदमी है जो अपना सामान को इधर से उधर कर रहे हैं ऊंचा जगह पर ले जाने। पूरा घर में, ये पूरा घर में पानी लगा हुआ है, एक एक घर में पानी घुसा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम घर में आए हुए हैं डायरेक्ट, ये हम आपको मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के जो गांव है वो पूरा बोक्ची गांव का ये नजारा है जो घर में पानी घुसा हुआ है। क्या नाम हुआ भैया? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार, साल में कितना बार पानी आता है? साल में 2-3 बार तो आ ही जाता है। हाँ, कैसे आप लोग रह रहे हैं, क्या लगता है अभी के सरकार से क्या मांग होगा? अभी के सरकार से तो कोई राहत बचाव का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, और देख रहे हैं जो हम लोग घर में पानी है, जैसे तैसे हम लोग सामान जो है सो अपना स्थान पर निकाल रहे हैं। नहीं है घर में, पूरा घर में समझिए कि गंगा जी आ गए हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर के अभी वर्तमान जो सांसद हैं वो जनशक्ति मंत्री हैं, जल संबंधित उनका कार्य है, लेकिन कई वर्षों से आप लोग परेशान हैं। कितना उम्र हो गया आपका? हमारा उम्र 55 साल हो गया। 55 साल हो गया। जी। 55 साल में कितना बार बाढ़ आया? 55 साल में तो 50 बार बाढ़ आया है। 5 साल नहीं आ पाया। 5 साल नहीं आया था।
मात्र 55 साल की इनका उम्र है और 55 साल की उम्र में मात्र 5 बार हो सकता है कि बाढ़ नहीं आया होगा, लेकिन पूरा समझिए 50 साल यानी कि साले साल आता है। क्या नाम हुआ? सुशीला देवी। क्या यही घर हुआ? हाँ यही घर है। कहाँ अभी सामान सब कहाँ ले? सामान ऊपर सारे अंदर में है सामान। घर में बहन जी का घर है, ये पूरा मतलब भींगा हुआ है, पूरा पानी है, कुछ सामान पलंग वगैरह पर रखा गया है। देखिए इनका ये भी एक घर है जो पूरा घर पूरा क्या कहता है उसमें काई लग गया है ना। जी सर, जी सर, जी सर। ये भगवान का रूम है, रूम वाला मतलब ये मंदिर यहाँ रखे हुए हैं, भगवान जी सब यही है, लेकिन इनका घर का सारा सामान ऊंचा जगह पर रखा जाता है ताकि मतलब सुरक्षित। देखिए हम एकदम बीच घर में आए हुए हैं। ये घर जो कितना सुंदर देखने में लगता है, लेकिन बाढ़ के वजह से यह घर के लोग खुश नहीं होंगे। क्या नाम हुआ बुआ तुम्हारा? ज्योति कुमारी। कहाँ स्कूल नहीं जाती होगा? पानी है स्कूल में, पानी है, डूब जाओगे। ठीक है, देखिए पूरा ये घर का नजारा हम आपको बता रहे थे, पीछे रहिए, ये घर का हम आपको नजारा बता रहे थे, लेकिन ये दम समझिए कि हम अंतिम हुए हैं, जहां पे कहा जाता है कि थोड़ा है उस ऊंचा जगह पर हम आए हुए हैं। फिर भी मेरा घुटना तक देखिए कि पानी इसमें लबालब भर चुका है। चूल्ही जो देखिए, ये चूल्ही पूरा डूब चुका है, ये चूल्ही है जिस पर खाना लोग बना के खाते, वो चूल्ही भी डूब गया है। तो बताइए इन लोग का क्या हालत यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए हम आपको फिर नेक्स्ट जगह जाके दिखाने का प्रयास करते हैं, आप हमारे वीडियो में बने रहे। तो देखिए अभी हम वही बक्सी गाँव में है जहाँ पे त्राहिमाम हुए हैं। अभी हम डायरेक्ट आपको यहाँ से कवरेज करके बता रहे हैं कि किस स्थिति में लोग यहाँ पे जी रहे हैं। आप डायरेक्ट देख पा रहे होंगे कि रास्ता है, जिस रास्ता से गाड़ी चलती है, जिस रास्ता से आदमी चलते हैं, यह रास्ता में लगभग लगभग 2 से 2.5 फीट पानी हो गया है। कहाँ जा रहे हैं बाबा? क्या क्या स्थिति है इधर? कौन गांव पड़ता है? आए? कौन गांव पड़ता है? बक्की, अजीतपुर बक्की। कहाँ जा रहे हैं? मोटरी लेके जा रहे हैं अपना खाने के लिए, मवेशी के खाने के लिए, मतलब दाना पिसाने। कितना मतलब इसमें नहीं है ये पानी? मतलब यहाँ तो 3 महीना से इसमें पानी है। 3 महीना? 3 महीना से शुरू जेठ में पानी आया, पहले कोई नेता नहीं आया है, सारा नेता मर गया। सर विधायक राम सूरत राय, राम सूरत राय मर गया, मुखिया मर गया, हाँ सब मर गया, कोई नहीं आया है, कोई नहीं देखने आया है। कहाँ से खाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, कोई कुछ नहीं पूछा है, कोई कुछ नहीं पूछा है। आइए ना, हो विधायक जी, हो स्थानीय मुखिया जी, मुखिया जी का घर कहाँ? मुखिया जी का घर वह उधर है, उनके इधर पानी है कि नहीं? हाँ पानी है, उनको घर पर भी पानी है। वो अपने दहाल है ना? रोड पर नहीं, रोड पर है, रोड पर। हाँ मुखिया जी, आपको लोग वोट दिए थे कि इन लोगों को आपको हेल्प कर पाइएगा, लेकिन आप खुद इन लोगों को देखने तक नहीं आए, तक क्या लिख के भेजिएगा। दूसरी बात, विधायक भी जो राम सूरत राय है, जो बड़ा बड़ा फोटो खिंचवाने में माहिर है, भूमि सुधार मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार का, वो भी तनी अपने क्षेत्र में आए ना? वोट उठ के समय में आते हैं कि नहीं? वोट के समय में एक दिन आते हैं, एक दिन आए वोट के इलेक्शन करने के लिए, तो हमको कहे, तो हम उनको खुद मुंह पर कहे कि चोर नेता को हम वोट देंगे। हाँ। ना ना बाबू साहब, आप बाबा ऐसा नहीं होगा, उनको साथ कह दिए चोर, राम सूरत राय को, राम सूरत राय चोर है। हाँ तब क्या? हाँ। चोर नहा था, कभी आया घूम कर देखने की बक्की क्षेत्र का, बक्की में क्या है, बगीचा क्षेत्र में आदमी डूबा की मरा, हम 5 आदमी से हम पिछपा को डूब रहे थे, लेकिन उसको फोन किया, फोन नहीं उठाया। हाँ तब क्या? क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम सुखदेव महतो हुआ। इधर पूरा गांव सब पूरा डूबा हुआ है? हाँ पूरा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ। हाँ तो अभी हम देख सकते हैं बाबा के, ये लहर बता रहा है, दुख बता रहा है, देह का जो थकान है वो बता रहा है। डायरेक्ट हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, जो यह बक्ची गांव है, जो कटरा थाना क्षेत्र के पड़ता है, और औराई विधानसभा है, और बागमती जो नदी है, जो गंडक है, वो उफान हो चुकी है। पानी की कहर किस प्रकार, देखिए कि पीपा पुल का नजारा हम आपको ये स्क्रीन पर चल रहा होगा, वो पीपा पुल का नजारा है। लेकिन जब गांव में आइएगा, यहाँ पे जब गांव में बड़ा बड़ा नेता आएंगे, तो उनके जो शर्ट और पैंट जो पहनते हैं, जो स्त्री लगा हुआ रहता है, जो आयरन करके आते हैं, वो क्रीच धुल जाएगा। लेकिन हम लोग रिपोर्टर आदमी, आखिर इन लोगों को दुख ही ये घुसखोर नेता तक पहुंचा सकते हैं, और हम इन लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं? घुसखोर जो भ्रष्टाचार, जो सरकार जो लगातार 15 सालों से गद्दी, कितना उम्र होगा दादा आपका? हमको उम्र 70 होने वाला है। 70 साल में कितना बार यहाँ बाढ़ आ चुका है? 70 हर साल बाढ़ आता है। 70 साल बाढ़ आ गया। हाँ देखिए 70 साल में इन लोगों का कोई उपचार नहीं हो पाया, कोई कुछ नहीं हो पाया। देखिए माल जाल के किस प्रकार क्षति हो रहा है, घास उस कहाँ से लाते हैं आप लोग, कहाँ गए? घर के लोग कौन है? देखिए यहाँ तो और ज्यादा पानी हो गया,
क्या क्या नाम हुआ? इधर आइए थोड़ा, इधर आइए इधर बैठिए, नीचे बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? महादेवी। ये जो बकरी उकरी जो है इसको घास उस कहाँ से लाते हुए? कहाँ से लाए? भूसा किन के लाता है, दाना पिसा के लाता है, है। कहाँ से लाइए? पानी में कहाँ जाऊ? कहाँ जाऊ? घर में ही मतलब रहना है? घर में रहनी, चौकी पर बैठा लाती है। सब पर पानी रहती है, सबके बकरी के चौकी भर के पास मचान बना के तम रखा। सब में पानी बढ़ जाएगा? घरों में सब में पानी, इतने पानी हो जाइए। अभी शुरुआतें हुआ, अभी शुरुआतें हुआ है, बढ़ते है पानी। तो सबसे बड़ी हम आपको खबर बता दे की पानी अभी आना ही आरम्भ हुआ है। आप समझिए कितना दिन से है पानी? अभी पानी है। अभी इतना पानी कैसे हो गया? कितना दिन? परसों, यानी कि दो दिन पहले से इतना पानी बढ़ चुका है। नीतीश कुमार जी, डीएम साहब मुजफ्फरपुर सुब्रत कुमार सेन जी, उसके बाद जल संसाधन मंत्री जो अभी वर्तमान में सांसद भी है राजभूषण निषाद चौधरी जी, थोड़ा आइए ये दुखियारी के बस्ती में आइए, दुख बांटिए इन लोगों से, दुख बांटिए इन लोगों से, दुख समझिए किस प्रकार पानी यहाँ पे बढ़ रहा है। इनका कहना है कि इस पर भी पूरा 2-3 फीट पानी घर में लग जाता है, क्या होगा इस देश को। तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, हम यह वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और उसके बाद यह गुहार लगाते हैं और उसके बाद पल पल की रिपोर्ट बताने का अधिकारियों को कोशिश किए हैं। तो आप लोग जरूर यह वीडियो को शेयर कीजिए और अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि अधिकारी का जो आंख और कान और आंख पर जो काला पट्टी लगा हुआ है वो खुल जाए और ये सबको हेल्प करने का प्रयास करे। धन्यवाद।